हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेपी होम्स में। आज का जो हमारा हाउस प्लान रहेगा वो 25 बाई 40 फिट का रहेगा। घर का नक्शा हमने नेहा शर्मा जी के लिए बनाया है, जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर की रहने वाली हैं। अगर आपको भी हमसे अपने घर का नक्शा बनवाना है तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब घर के अंदर का लेआउट देख लेते हैं। ये इस घर की कार पार्किंग है, जो कि 10 बाई 14 फिट की है। हमने 4 फिट का पैसा छोड़ रखा है प्लांटेशन के लिए, और आप यहाँ अपनी अब बाइक भी आराम से पार्क कर सकते हैं। घर के अंदर एंटर करते हुए आपको लेफ्ट साइड में मॉड्यूलर किचन देखने को मिलेगा, जो कि 6 बाई 8 फिट का है। किचन का वेंटिलेशन ओटीएस की ओर हो रहा है। ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया हमने एक साथ दे रखा है, जो कि 15 बाई 20 फिट का है। ड्राइंग रूम में आप 6 से 7 लोगों को आराम से बैठा सकते हैं। इस घर का इंटीरियर आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। ये पाउडर रूम है, ये हमने गेस्ट के लिए डिज़ाइन किया है। इसका साइज 4 बाई 4 फिट है। इसका वेंटिलेशन ओटीएस में हो रहा है। ये इस घर का फर्स्ट मास्टर बेडरूम है, जो कि 12 बाई 10 फिट का है। ये इस कमरे का अटैच वॉशरूम है, जो कि 6 बाई 8 फिट का है। इसका वेंटिलेशन भी ओटीएस में हो रहा है। इन्हें की चौड़ाई 3.5 फिट है। अब चलिए फर्स्ट फ्लोर का लेआउट देख लेते हैं। ये इस घर का सेकंड मास्टर बेडरूम है, जो कि 12 बाई 12 फिट का है। मैं आपको वेंटिलेशन की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एक अटैच वॉशरूम है, जो कि 6 बाई 6 फिट का है। ये इस घर का थर्ड मास्टर बेडरूम है, जो कि 10 बाई 12 फिट का है। ये इस कमरे का अटैच वॉशरूम है, जो कि 5 बाई 9 फिट का है। इसका वेंटिलेशन भी ओटीएस में हो रहा है। ये जो साइज है वो 8 बाई 5 फिट है, जो कि काफी बड़ी बालकनी है। ये इस घर का फोर्थ मास्टर बेडरूम है, जो कि 10 बाई 12 फिट का है। वॉशरूम का साइज 5 बाई 8 फिट है। इसका वेंटिलेशन भी ओटीएस में हो रहा है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।